सो फाइनली स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 6 का तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप का आखिरी पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट भी आ चुका है। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, लेकिन आप तभी वॉच कीजिएगा जब आपने इसका पार्ट 1 देख रखा हो, तभी आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। दो ही पार्ट के अंदर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है। और मैं आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, मैं जल्द ही आप स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट की सीरीज भी शुरू करने वाला हूँ। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर जुड़िए और शेयर करें अपने हर एक फ्रेंड्स के साथ। हमें तैयारी करनी है 2021 बोर्ड एग्जाम की अभी से, ताकि हमारा जो सिलेबस है वो एक टाइम के ऊपर अच्छे तरीके से फिनिश हो सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पर्यटन यानी कि टूरिज्म। तो देखिए आखिरकार ये टूरिज्म क्या होता है, काफी कॉमन सा है, ये भी आपको भी पता है। तो पर्यटन क्या है? एक प्रकार की यात्रा है जो व्यापार की वजह आनंद यानी कि एंटरटेनमेंट के उद्देश्य के लिए की जाती है। अब बात आती है कि पर्यटन को जो अफेक्ट करते हैं यानी कि प्रभावित करते हैं, वो कौन कौन से कारक है। तो सबसे पहला है मांग। अब मांग में यानी डिमांड से देखिए क्या होता है कि लोग अपने इस भागदौड़ वाली जिंदगी में काफी बिजी रहते हैं, तो अपने आप को रेस्ट लेने के लिए वो क्या करते हैं, टूरिज्म का सहायता लेते हैं, ताकि वह कोई ऐसे हिल स्टेशन जा सके, बीच जा सके और अपने माइंड को रिफ्रेश कर सके। तो पहली चीज तो मांग आ जाती है। दूसरी बात आती है परिवहन। देखिए परिवहन के आ जाने से आप किसी भी राज्य में, किसी भी देश में आसानी से टूरिज्म को कर सकते हैं, अपना एंजॉयमेंट पूरा अच्छे तरीके से। तो परिवहन की वजह से भी जो पर्यटन है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है। तो ये कुछ जो नॉर्मल से टॉपिक थे जो आपको ऑलरेडी पता भी होंगे। इसके बाद आता है कि पर्यटन जो है यानी टूरिज्म है, उसको ऐसे कौन कौन से कारक है जो आकर्षित करते हैं यानी अट्रैक्ट करते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में भी एक एक करके। पहला जो उसका कारक है आकर्षण का, वो है जलवायु। देखिए जिस राज्यों या देशों की जो जलवायु अच्छी होती है, तो लोग क्या करते हैं, अपने आप को वहाँ जाना क्या करते हैं, काफ़ी अच्छा मानते हैं। अगर मैं भारत जैसे देश की बात करूँ, तो यहाँ पे जो टूरिज्म के जो काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेसेस है, वो है आपका जैसे लद्दाख हो गया, हिमाचल हो गया, नैनीताल हो गया, ऐसे बहुत सारे हो गया, कुल्लू मनाली हो गया। तो लोग यहाँ पे अपने आप को जाने में काफ़ी आनंद समझते हैं, उनका काफ़ी अच्छा इन्जॉय हो जाएगा। तो वो जलवायु के कारण तो देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो होता है स्नोफॉल होता है यानी जो ठंड होती है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। ऐसी थकान भरी जिंदगी में जो हम वहाँ जाते हैं पहाड़ों में, बीच पे, तो हमारा इन्जॉयमेंट अच्छा हो जाता है। दूसरा है भ्रू दृश्य यानी कि सीनरी। तो हमारा भी मन करता है कि हम कोई ऐसी जगह पे जाए जहाँ पर एक हमें एक नई प्रकार की सीनरी देखने को मिले, जैसे पहाड़ हो गए बड़े बड़े, हम वहाँ पर जाए अपना अच्छा इन्जॉयमेंट करें, बड़े बड़े समुंदर देखने को मिले। ये सारी चीज़ें क्या होती है, भू दृश्य यानी सीनरी से रिलेटेड होती है। और तीसरा है इतिहास एवं कला। तो ये तो सबसे ज़्यादा पर्यटन का है, और इसमें क्या होता है कि जो बाहर के देश होते हैं, भारत जैसे देशों में इसे देखने के लिए सबसे ज़्यादा आते हैं। अगर इतिहास कला की बात की जाए, तो आपने देखोगे कि भारत के अंदर बड़े बड़े मॉन्यूमेंट बने पड़े हैं, किले बने पड़े हैं, चाहे वो बाबर का हो, हुमायूं का हो, या फिर ताजमहल हो, या फिर अक्षरधाम मंदिर हो। तो इन सभी चीज़ों को देखने के लिए, इनके बारे में अच्छी जानकारी लेने के लिए जो टूरिस्ट होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। और हम भी क्या करते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं, जैसे हमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखनी हो, या फिर कोई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखनी हो, ये मतलब जो वंडर है पूरे, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखने जाते हैं बाहर। तो ये इतिहास और कला के ऊपर क्या करता है, टूरिज़्म को आकर्षित करता है। और फोर्थ है इसका सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था। तो भारत की जो संस्कृति है वो पूरे विश्व भर में क्या है, काफ़ी प्रसिद्ध है, इसलिए लोग जो होते हैं यहाँ पर आते हैं और भारत की संस्कृति के बारे में अपनी रुचि रखते हैं। वे हर एक छोटे छोटे पॉइंट को जानने की कोशिश करते हैं कि जो भारत का जो इतिहास रहा है, यहाँ का जो कल्चर रहा है, वो किस प्रकार का रहा है। आपने भी देखा होगा कि आज के समय में हमने किस संस्कृति को अपना रखा है, हमने पश्चिमी संस्कृति को अपना रखा है। जो हमारी रियल संस्कृति है वो परंपरागत तरीके है, ट्रेडिशनल वाली है, जीन्स की पैंट शर्ट पहनना, ये सारा किसका, वेस्टर्न कल्चर का हमारे पे क्या वाला प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन हम जो थे वो खादी पहनने वाले थे, यानी जो हमारा इतिहास रहा है। तो वक्त के साथ सारी चीज़ें बदलती है। तो ये कुछ थे टूरिज्म के आकर्षण करने वाले कारक। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो चलिए अब हमने तीसरी क्रियाओं के बारे में ए टू जेड चीज़ें जान ली, अब हम बात करते हैं चौथी क्रियाओं के बारे में। ये काफ़ी छोटी छोटी है, चौथी और पांचवी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में। तो पहला है कि चतुर्थ क्रिया एक विशिष्ट यानी स्पेशल और जटिल प्रकार की क्रिया है, और इसका संबंध जो है वो ज्ञान यानी नॉलेज से रिलेटेड है। इसके अंदर हम शिक्षा यानी एजुकेशन, सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन, शोध यानी कि रिसर्च, और विकास यानी डेवलपमेंट शामिल होते हैं।
यह उच्च बौद्धिक व्यवस्थाओं से यानी कि जो हाई लेवल की जो स्किल्स होती है उससे संबंधित रखती है। और इसका दायित्व क्या होता है, चिंतन करना, शोध करना, विकास करना और विचार देना। तो इस क्रिया के अंदर जो सारी होती है वो ज्ञान से रिलेटेड होते हैं। आपने देखा कि बहुत जने क्या करते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं। अब बिजनेस चलाने के लिए उन्हें क्या चाहिए होती है, जरूरत होती है किस चीज़ की, एक मार्गदर्शन की। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस कंसल्ट होते हैं जो लोगों को क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं, तरीका बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें चौथी क्रियाओं के अंदर आती है। जब मैं बात करता हूँ पांचवी क्रियाओं के बारे में, तो ये तो सबसे हाई लेवल की होती है। तो इसमें क्या होता है, पंचम क्रियाकलाप वे सेवाएं होती है जो नवीन यानी कि आज के समय की और वर्तमान विचार की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या के प्रयोग के द्वारा की जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, नई नई जो टेक्नोलॉजी है उनका एवोल्यूशन करते हैं यानी मूल्यांकन करते हैं। स्वर्ण कॉलर या फिर गोल्ड कॉलर ये क्या है, तीसरी क्रिया का एक भाग है। यानी कि जो पंचम क्रिया है वो तीसरी क्रियाओं से ही जुड़ी हुई एक क्रिया मानी जाती है। तो इसके अंदर जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो है स्वर्ण कॉलर यानी गोल्ड कॉलर। तो याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अगला जो टॉपिक है वो है बाह्य स्रोत यानी कि आउटसोर्सिंग। सबसे पहले तो आप यही जान लिए कि बाह्य स्रोत क्या होता है। तो देखिए बाह्य स्रोत यानी आउटसोर्सिंग, इसका जो रिलेशन होता है वो सूचना प्रौद्योगिकी से होता है यानी कि आईटी सेक्टर से होता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला। देखिए इसमें क्या होता है कि बाह्य स्रोत क्या होता है, बाहरी एजेंसियों को कार्य में कुशलता एवं लागतें कम करने के लिए प्रदान करता है। इसके परिणामस्वरूप भारत में, चीन में, पूर्वी यूरोप में, इसराइल में, फिलीपीन में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले हैं। एक तरीके से हम अगर बात की जाए तो मल्टीनेशनल कंपनियां, देखिए क्या होता है कि जैसे अमेरिका की कंपनी भारत में यहाँ पर आती है और यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलता है, तो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, उनको सेवाएं प्रदान करते हैं। तो आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि अपना जो बिजनेस है उसे दूसरे देशों में लगाना और वहीं के जो स्थानीय निवासी है उन्हें अपनी कंपनी में लगाना जो हमारे लिए काम करते हैं। तो इस प्रकार हम इसे आउटसोर्सिंग का नाम देते हैं। कॉल सेंटर जो है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, और भारत में कॉल सेंटर की तो इतनी मात्रा है कि पूछो ही मत। आगे हम बात करते हैं BPOs के बारे में। तो BPO क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो इसके अंदर क्या होता है, जो योग्य यानी जो कैपेबल नवयुवक नवयुविका होती है वह क्या करते हैं, इनके अंदर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। जिनके अंदर टैलेंट होता है उन्हें इन चीज़ों में, यानी एक तरीके से कॉल सेंटर वाली बात है। और उसके बाद है KPOs, तो यानी नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इनकी फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इनके द्वारा क्या होता है कि कई क्षेत्रों को आगे बढ़ाया जाता है जिन्हें नॉलेज होती है इंटरनेट से। तो जैसे ई लर्निंग बनाना, ई बैंकिंग करना, अनुसंधान विकास, ये सारे जो क्षेत्र होते हैं KPOs के अंदर आ जाते हैं। तो काफी इजी से है ये सारे टॉपिक, बस आपको क्या करना है, वन टाइम ही लर्न करना है अच्छे तरीके से और आपके माइंड में एग्जिस्ट कर जाएंगे यानी मौजूद हो जाएंगे। तो आप एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़िएगा ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाए। आगे हम देखते हैं इस लेसन का सबसे आखिरी वाला टॉपिक जिसका नाम है अंकीय विभाजन यानी डिजिटल डिवाइड। तो देखिए इसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है विभाजन हो रहा है किसका, अंकों का। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण जो है यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरी पृथ्वी पर असमान रूप से वितरित है। आइए समझते वो किस प्रकार से। देखिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्या होती है कि वो सभी देशों को समान पहुंच नहीं देती। विकसित देश की अगर बात की जाए जो ऑलरेडी डेवलप्ड है तो उसमें क्या होता है, वो इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी तरीके से मिल जाती है क्योंकि वह ऑलरेडी डेवलप है। जबकि अगर हम बात करें विकासशील जैसे भारत जैसे देशों की, तो यहाँ पर ये इन चीज़ों में पिछड़ जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हमने अंक विभाजन का नाम दिया है। अगर एक सिंपल से तरीके से बात की जाए, जैसे एक इन्फॉर्मेशन आई कि हमने रिसर्च करी है कि चांद के ऊपर ये चीज़ें भी पाई जाती है, तो सबसे पहले रिसर्च कौन करके चले जाता है, वो चले जाते हैं विकसित देश, और बाद में आती है विकासशील देशों की, और उसके बाद अल्पविकसित का कहीं नाम ही नहीं आता। तो ये प्रक्रिया ही अंक विभाजन की कहलाती है। अब बात आती है कि ये प्रक्रिया आपको देश में भी देखने को मिलती है। अब देश में देखने को कैसे मिलती है, अगर मैं भारत जैसे देश की बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है कि देश के भीतर भी अंक विभाजन देखने को मिलता है। अगर बात की जाए नगरों की यानी कि अर्बन क्षेत्रों की, जहाँ नगरों और महानगरों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी भरपूर मात्रा में उपलब्ध होती है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में इस सुविधाओं को वंचित रखा जाता है, यानी कि लोग इस चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते। और इसका रियल एग्जाम्पल आप भारत में देख भी सकते हो कि कहाँ पर नगरीय क्षेत्र इतने तेज़ी से बढ़ता है, ग्रामीण क्षेत्र पीछे रह जाता है, क्योंकि सारा जो खेल है वो है सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी का। तो आप समझ सकते हैं अंकीय विभाजन यानी डिजिटल डिवाइड के बारे में। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो थर्ड एक्टिविटी होती है, तृतीय क्रियाएं होती है, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है। तो US से पहले नंबर पे, फिर यूरोप हो गया, चाइना हो गया, इंडिया चौथे नंबर पे आता है, जापान पांचवें पे आता है, ऐसी बहुत सारी लिस्ट है, लेकिन टॉप 5 आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है।
तो इस टॉपिक के साथ हमारा जो लेसन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आइए जान लेते हैं इसके रिव्यू के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने मानवीय क्रियाओं के बारे में जाना था कि यह एक अर्थव्यवस्था के अंदर चार प्रकार की मानवीय क्रियाएं देखने को मिलती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। हमने जो लेसन की शुरुआत करी थी वो तीसरी और चौथी क्रियाओं से करी थी। तो सबसे पहले हमने जाना था तीसरी क्रियाओं के बारे में, जिसमें हमने बात करी थी किस किस के बारे में, व्यापार से रिलेटेड, परिवहन से रिलेटेड, संचार से रिलेटेड और पर्यटन से रिलेटेड। उसके बाद हमने एक मेन टॉपिक भी जाना था उसी के अंदर, वो था ग्रामीण और नगरीय मार्केटिंग के बारे में। और एग्जाम टाइप से जो क्वेश्चन था वो था हमारा फुटकर और थोक, यानी कि रिटेलर और होलसेलर दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंट पाया जाता है। आगे हमने पढ़ा था चतुर और पंचम क्रियाओं के बारे में, जो काफ़ी कॉमन से टॉपिक थे। उसके बाद हमने आउटसोर्सिंग जैसे कॉल सेंटर होते हैं उसके बारे में जाना था। और लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था अंकीय विभाजन, यानी कि डिजिटल डिवाइड। तो ये था हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट, जो हमने लेसन को स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से जाना। तो इस लेसन के अंदर जो मेन टॉपिक्स थे वो मैंने आपको पूरे कंप्लीट करा दिए। जब मैं आपके सामने क्वेश्चन आंसर की सीरीज लाऊंगा तो उसके अंदर जो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं वो भी इंक्लूडेड होंगे, आप उसकी टेंशन ना लीजिएगा। अब बात आती है आपकी एक्सरसाइज के ऊपर, क्योंकि ये तो मैंने आपको चैप्टर करा दिया। चैप्टर आपको तब समझ आता है जब आप अपनी तरीके से पढ़ते हो। 50% काम होता है मेरा करवाने का, 50% काम होता है आपका पढ़ने का, तब जाके आपको 100% उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से हो पाती है। तो एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्लीट इस एनसीईआरटी का चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ना है, और साथ ही जो आपकी एनसीईआरटी के जो लास्ट में क्वेश्चन दिए होते हैं, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं टीबीक्यू, तो वो भी आपको सॉल्व करने हैं। वो सारे क्वेश्चन आपको इसके अंदर ही आराम से मिल जाएंगे। इस चैप्टर के सोर्सेज की बात की जाए तो मैं सबसे पहले प्रेफरेंस देता हूँ एनसीईआरटी बुक को, क्योंकि जो ऑथेंटिक है वो आपके लिए यही है, और जो इजी लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है वो आपके लिए आपके पब्लिशर हो गए, विकिपीडिया हो गया, गूगल सर्च हो गया, सपोर्ट मटेरियल हो गया, तो इनके थ्रू आपको इजी लैंग्वेज में ताकि समझ आ सके कॉन्सेप्ट, तो यहाँ से भी सोर्सेज लेने पड़ जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप यहाँ तक आए गए हैं तो आपके लिए क्लैपिंग तो बनती है कि आपने इतना डेडिकेशन दिखाया, बट आपसे यही चाहिए कि आप लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर करना ना भूलेगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं फीडबैक तो जानूँ कि आप बच्चों को क्या क्या चीज़ें समझ आ रही है और नहीं आ रही है। हमारे सोशल मीडिया हैंडल को आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम। टेलीग्राम लिंक मैंने डायरेक्ट आपका डायरेक्ट लिंक डाल रखा है, ये जो पीडीएफ है आपको वहीं पर देखने को मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आपको चाहिए, जरूर चाहिए होगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिएगा हमारे ग्रुप को। अगर आपको कोई पर्सनली डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा सब कुछ ओवरऑल। एक चीज़ मैं कहना अभी भी भूल गया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप, आप ही के लिए बनाया जाता है, आप ही का चैनल है, आप ही के लिए सारे मटेरियल लाए जाते हैं हिंदी मीडियम में स्पेशली। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्रमोट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो बच्चे हैं वह भी अपनी स्टडी को शुरू कर सके और अपने 2021 बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सके। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं जल्द ही मिलूंगा आपको एक नए वीडियो के साथ।